हेलो एवरीवन, कहाँ अभी नहीं हुआ ना? अभी इधर चालू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर CUET 2023 सीरीज। मैं रोमा, आपकी CUET मेंटर फ्रॉम प्रेप गुरु, इंडियाज एक्सक्लूसिव CUET प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। पिछले दो वीडियोस में हमने इम्पॉर्टेंट डेट्स और फॉर्म कैसे भरना है इस विषय में बात करी थी, एंड इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि वो क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो CUET का फॉर्म भरते समय बच्चे करते हैं। इस वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करूंगी इन डिटेल्स कि सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना है और सब्जेक्ट के कॉलम को कैसे भरना है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड बिकॉज देयर इज लॉट मोर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये वीडियो हमने इसलिए भी बनाया है क्योंकि पिछले साल यानी 2022 में जो पहला साल था CUET का, करीब 400,000 बच्चों ने ये फॉर्म गलत भरा था और उसमें से मेजरली बच्चों ने सब्जेक्ट के चयन को गलत तरीके से किया था। एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी ब्रिंग टू यू ऑल द कॉमन मिस्टेक्स जो आप सब लोग शायद करेंगे इस साल का फॉर्म भरने के लिए भी। बिफोर आई टॉक अबाउट मिस्टेक्स, लेट मी टेक यू टू द पैटर्न ऑफ द पेपर कि पेपर किस पैटर्न पे आएगा या सब्जेक्ट्स किस तरह से आपको चुनने हैं। सो तीन सेक्शन होंगे पेपर में, जैसा कि CUET सामर्थ की वेबसाइट पे दिया है। सो सेक्शन 1A जो कि लैंग्वेज सेक्शन है, जिसमें 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं और आप अपने हिसाब से या कोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। इसमें 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50। सेक्शन ए का ही एक और सेक्शन है विच इज़ सेक्शन 1B। सेक्शन 1A एंड 1B, सो दे आर टू सेक्शंस इन सेक्शन 1। 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं एंड दे आर प्राइमरीली फॉरेन लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेज आपको तभी चूज़ करनी है जब आप ऐसा कोई कोर्स परस्यू करने जा रहे हैं जिसमें पर्टिकुलरली वो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप BA इन रशियन करना चाहते हैं या BA इन जर्मन करना चाहते हैं, तो हो सकता है यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हो कि आपको 1B की लैंग्वेज पिकअप करनी है। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपका लैंग्वेज सेक्शन जो है उसमें से ये 13 लैंग्वेजेस में से आपको पिक करना है। दूसरा सेक्शन है डोमेन का, इसके बारे में मैं 2 मिनट बाद बात करूंगी। फिलहाल मैं तीसरे सेक्शन में आती हूं विच इज़ कॉल्ड जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का सेक्शन में 60 क्वेश्चंस में से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे एंड जनरल टेस्ट में बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा जिसमें आपका GK, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड थोड़ा पोर्शन आपके वर्बल एबिलिटी का रहेगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ जनरल टेस्ट। जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं बच्चों की, वो होती हैं अक्सर डोमेन सब्जेक्ट के चुनाव में, जो कि आपका सेक्शन 2 है। सो इस पे मैं थोड़ा इलाबोरेट करना चाहूँगी। 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इन डोमेन सब्जेक्ट्स को आपको कैसे चुनना है और कैसे इनको फॉर्म्स में डालना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज कई बच्चे फेस कर रहे हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि टोटल 10 सब्जेक्ट आपको चुनने हैं, जिस 10 सब्जेक्ट में से जनरल टेस्ट और लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ इट, यानी 10 में से एक लैंग्वेज है और एक जनरल टेस्ट है, बाकी बचे 8 सब्जेक्ट जो आपको डोमेन सब्जेक्ट में से पिक करने हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोर्स के लिए आपको डोमेन सब्जेक्ट की आवश्यकता हो या हर कोर्स के लिए आपको जनरल टेस्ट की आवश्यकता हो। ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स में अप्लाई किया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा 10 के 10 सब्जेक्ट का चुनाव करे, यानी कि 10 के 10 सब्जेक्ट्स लिखें। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि मिनिमम आप एक सब्जेक्ट चूज़ करेंगे और ये मैक्सिमम लिमिट है, यानी 10 सब्जेक्ट्स इज़ योर मैक्सिमम लिमिट विच यू कैन चूज़ डिपेंडिंग अपॉन द परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड द कोर्सेज यू आर अप्लाइंग फॉर। टू मेक इट सिंपल फॉर यू, मैंने एक छोटा सा यहाँ पर टेबल तैयार किया है। इस एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको बताऊंगी कि आपको सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना है और सब्जेक्ट को उन कॉलम्स में कैसे सिलेक्ट करना है। आइए देखते हैं। मैंने 5 कोर्सेज अपने लिए सिलेक्ट किए हैं। पहला है दिल्ली यूनिवर्सिटी का BCom, दूसरा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, तीसरा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का BSW, चौथा है BHU का BA LLB एंड 5वां है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का BSc प्रोग्राम। मैंने कोशिश करी है इन प्रोग्राम्स में वेरिएशन देने की, ताकि चाहे आप ह्यूमैनिटीज से हों, कॉमर्स से हों या PCM PCB से हों, आप इस सिलेक्शन को समझ पाएँ। सो लेट्स सी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के BCom में क्या रिक्वायरमेंट दी गई थी। तो पहली रिक्वायरमेंट भी थी सेक्शन 1 आपको देना है।
सेक्शन टू में उन्होंने कहा था एनी थ्री सब्जेक्ट, उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो तीन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। सो ये चीज़ आप इस तरह का टेबल बना के अपने पास नोट कर सकते हैं फॉर्म भरने से पहले। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बीकॉम प्रोग्राम के लिए सेक्शन थ्री यानी जनरल टेस्ट को कंपलसरी किया है। दूसरा जो प्रोग्राम मैंने चुना था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दैट इज़ बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। आप देखिए उन्होंने भी सेक्शन वन में कहा है कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज चुननी है, दे हैव नॉट सेट कि लैंग्वेज कौन सी चुने। जब तक ये नहीं कहा गया है तो आप 13 में से कोई भी रीजनल लैंग्वेज भी पिकअप कर सकते हैं। सो हिंदी, इंग्लिश एंड देयर आर अदर 11 रीजनल लैंग्वेजेस जो आप पिक कर सकते हैं। सेक्शन टू में इस प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिकली कहा गया है कि आपको मैथ्स का पेपर देना है प्लस एनी टू, यानी मैथ्स इसमें कंपलसरी बोली गई है एंड सेक्शन थ्री यानी जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। आइए देखते हैं तीसरा जो प्रोग्राम है टिस के बीएसडब्ल्यू प्रोग्राम में सेक्शन वन की रिक्वायरमेंट है यानी आपको लैंग्वेज देनी है। अगेन यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी लिखनी है ये कंपल्शन नहीं है, सो यू कैन पिकअप एनी लैंग्वेज हियर। सेक्शन टू में उन्होंने डोमेन सब्जेक्ट नहीं मांगे हैं, सो सेक्शन टू यू हैव टू राइट नो डोमेन सब्जेक्ट्स हियर टू गेट इन टू टिस बीएसडब्ल्यू प्रोग्राम एंड सेक्शन थ्री दैट इज जनरल टेस्ट इज कंपल्सरी फॉर दिस प्रोग्राम। फोर्थ इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BA LLB प्रोग्राम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि उन्होंने सेक्शन वन में ये स्पेसिफिकली कहा है कि उनको इंग्लिश एज अ लैंग्वेज चाहिए, फेयर इनफ। सो आपको अगर इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो इंग्लिश हैज़ टू बी देयर। सेकेंड इज लीगल स्टडीज़, यानी इन्होंने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि जो बच्चा BA LLB प्रोग्राम में BHU के अप्लाई करेगा उसको लीगल स्टडीज़ का पेपर देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसके अलावा उन्होंने कोई भी और डोमेन सब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशन नहीं दी है, यानी आप केवल लीगल स्टडीज़ लिखकर BA LLB के लिए आवेदन दे सकते हैं। सेक्शन थ्री यानी जनरल टेस्ट इसमें भी आपसे मांगा गया है। जो मेरा पांचवा प्रोग्राम मैंने सिलेक्ट किया था दैट इज़ AMU का BSc प्रोग्राम। BSc प्रोग्राम में अगेन अगर आप देखें तो सेक्शन वन के लिए इंग्लिश इन्होंने अनिवार्य कर दी है, यानी आपको लैंग्वेज में केवल और केवल इंग्लिश लिखनी है अगर आप चाहते हैं कि AMU के BSc प्रोग्राम के लिए आपको कंसिडर किया जाए। सेक्शन टू में बड़ी स्पेसिफिकली इन्होंने कहा है कि आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए या बायोलॉजी और मैथ्स में से एक आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है। सो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको कंपलसरीली लिखनी है, मैथ्स और बायोलॉजी में से आप कोई भी एक चॉइस कर सकते हैं, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। और सेक्शन थ्री इन्होंने मना किया है, यानी इनको जनरल टेस्ट की आवश्यकता नहीं है आपके आवेदन में। अगर मैं इस कॉलम पे ध्यान दूँ जो पांच कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ मैंने अप्लाई किए हैं, उनके पांच कोर्सेज जो मैंने अप्लाई किए हैं, अगर मैं यहाँ ध्यान दूँ तो मैं इंग्लिश लिख रही हूँ, यानी सिर्फ इंग्लिश लिख कर ही मैं बाकी के तीन कोर्सेज में भी इसको सेटिस्फाई कर सकती हूँ। दैट मीन्स इसके लिए आपको अलग से तीन चीज़ों में लैंग्वेज अलग नहीं लिखने की ज़रूरत है। यदि आप लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं तो बाकी के तीनों प्रोग्राम को भी आप इंग्लिश के थ्रू क्वालिफाई कर सकते हैं। यही एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हमें इंग्लिश यहाँ के लिए लिखनी है तो कोई और लैंग्वेज यहाँ के लिए पिक करनी पड़ेगी। फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहूँगी कि यदि आपको ये नहीं बताया गया है कि स्पेसिफिकली कौन सी लैंग्वेज लिखनी है तो आप अपनी पसंद की कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, पर अगर आप बाकी के दो कोर्सेज के लिए इंग्लिश लिख रहे हैं तो समझदारी ये है कि वही इंग्लिश के पेपर के थ्रू आप बाकी के लैंग्वेज सेक्शन में अप्लाई कर सकें। दूसरे सेक्शन की बात करते हैं सेक्शन टू में। अब आप ध्यान से देखें कि जितने भी कोर्सेज में मैंने अप्लाई किया है उसमें से कंपलसरीली मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लिखनी पड़ेगी, यानी ये तीन सब्जेक्ट मेरे को लिखना मैंडेटरी हो गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स के लिए। चौथा सब्जेक्ट मुझे BA LLB के लिए लीगल स्टडीज़ लिखनी पड़ रही है। सो अब मैं चार डोमेन सब्जेक्ट लिख रही हूँ, लीगल स्टडीज़, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इन चार डोमेन सब्जेक्ट से आप अगर यहाँ पे इस कॉलम में ध्यान दें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम ने कहा था एनी थ्री, तो आप इन्हीं चार डोमेन सब्जेक्ट के द्वारा बीकॉम यूनिवर्सिटी में एनी थ्री सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं, यानी आपको बीकॉम के लिए अलग से तीन सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक ईच वन ऑफ यू इज़ डूइंग।
वो ये चार सब्जेक्ट कंपलसरी लिखते हैं, उसके बाद तीन और सब्जेक्ट पिक करते हैं एंड अपने पेपर को लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। क्योंकि यहाँ नहीं बताया गया है कि कौन से 300 में सब्जेक्ट, तो आपके पास ये आप स्वतंत्र हैं कोई भी तीन डोमेन सब्जेक्ट को पिक करने के लिए। सो व्हाई नॉट यू टेक दीज फोर डोमेन सब्जेक्ट एंड अप्लाई हियर। सो दैट मीन्स टू सैटिस्फाई ऑल दीज प्रोग्राम्स आई एम गोइंग टू राइट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड लीगल स्टडीज। और इन चार डोमेन सब्जेक्ट को लिखकर मैं ये पांचों के पांचों कोर्सेज और ये चारों यूनिवर्सिटीज के में अप्लाई कर सकती हूँ। और क्योंकि सेक्शन 3 में कुछ प्रोग्राम्स के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी है, तो आपको जनरल टेस्ट लिखना पड़ेगा। यानी अब इन पांच प्रोग्राम के लिए मैंने सब्जेक्ट 1 लिखा इंग्लिश, सब्जेक्ट 2 लिखा फिजिक्स, सब्जेक्ट 3 लिखा केमिस्ट्री, सब्जेक्ट 4 लिखा मैथ्स, सब्जेक्ट 5 लिखा लीगल स्टडीज एंड सब्जेक्ट 6 लिखा जनरल टेस्ट। ये 6 सब्जेक्ट मैं लिख रही हूँ और उस 6 सब्जेक्ट के द्वारा मैं 5 कोर्सेज और 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रही हूँ। बाकी के जो 4 कॉलम्स 10 में से बचे हैं, उसमें आप नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन डाल के उसको फॉर्म को भर के भेज सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू विल डू द सिलेक्शन ऑफ योर सब्जेक्ट्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, पर मैं आपको ये सुझाव दूंगी कि जिस तरह का टेबल मैंने बनाया है, एक 10 से 15 मिनट की एक्टिविटी आप अपने घर पे करें। CUET सामर्थ की वेबसाइट खोलकर यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन के अंदर जाके जिन भी यूनिवर्सिटीज़ के जिस भी कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसका इस तरह से एक टेबल तैयार कर लें। वो कोर्सेज 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं और 50 भी हो सकते हैं। सो देयर इज़ नो सीलिंग, नो अपर कैप। या इसके लिए ये नहीं कहा गया है कहीं पे भी कि आप कितने कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। सो यू कैन गो ऑन एंड सिलेक्ट एज मैनी कोर्सेज एज यू वॉन्ट एंड मेक दिस टेबल आउट ऑफ इट। जब आप ये टेबल की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, तब आप यहाँ से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको कौन सा लैंग्वेज भरना है, कौन सा डोमेन सब्जेक्ट भरने हैं और आपको जनरल टेस्ट लिखना है कि नहीं। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक अ लॉट ऑफ यू डिड लास्ट ईयर। और इस साल ऐसा ना हो, इसलिए इस वीडियो को एक या दो बार ध्यान से देखिए और इसी बेसिस पे अपने सब्जेक्ट का चुनाव करें। सेकेंड जो प्रॉब्लम आती है वो होती है नेम में। आई नो इट साउंड्स वेरी सिली कि कोई अपना नाम कैसे गलत भर सकता है, पर देर आर लॉट ऑफ केसेस जो आपका नाम आपकी मार्कशीट पे और जो आप अपना नाम रेगुलर रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। सो जब आप अपना नाम डालें तो ये इंश्योर कर लें कि वो नाम आपकी मार्कशीट 10th या 12th की मार्कशीट से एग्जैक्टली मैच कर रहा हो। तीसरी जो समस्या आती है, बच्चे भूल जाते हैं उस समय फॉर्म भरने के दौरान कि उनको कोई रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करना था या स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करना था या PW कैटेगरी के लिए। और इसमें एक और कैटेगरी है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय वार्ड की। तो अगर ये 3 या 4 कैटेगरी में आप कहीं पे भी फॉल करते हैं, तो फॉर्म भरने के समय ध्यान रखिए कि आपको ये कैटेगरी के अंडर फॉर्म के दौरान भरना है और इस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको अपने पास सॉफ्ट कॉपी में अपने कंप्यूटर पे सेव रखना है 50 KB से 300 KB के बीच। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक फॉर्म भरिए। बार बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसके द्वारा इसके दी गई एक्सरसाइज के द्वारा अपने फॉर्म के लिए सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे दिए गए नंबर्स में नीचे आप हमें कॉन्टैक्ट करके भी ये क्लैरिटी ले सकते हैं या कोई भी और CUET 2023 के लिए आपको हेल्प की ज़रूरत हो, सो आप हमें हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करके या नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे संपर्क कर सकें। कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर मोर वीडियोज़। और हम आगे बात करेंगे पेपर पैटर्न्स पे, टाइम ड्यूरेशंस पे और कैसे तैयारियाँ करनी है CUET के अलग अलग डोमेन के लिए, जनरल टेस्ट के लिए और लैंग्वेज।